हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल रेसिपी। दोस्तों, ये मेरी सिस्टर की स्पेशल रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पटेटो। दोस्तों, चिली पटेटो बनाना बेहद ही आसान होता है और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आप इसे इस रमज़ान अफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, चिली पटेटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू, और ये मैंने यहाँ पर लिए हैं पटेटोज़। और इनको कट कर लेना है आपको, पहले पील करना है और फिर कट करना है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने किस साइज़ में कट किए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है आपको। और ये मैंने यहाँ पर लिया है एक शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च भी मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटी है, मोटी काटनी है आपको। और प्याज भी ऐसे ही काटना है। साथ ही साथ आपको लेना है यहाँ पर टमाटो केचप और विनेगर। आप कोई भी जो ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल हो उन ब्रांड्स की यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। और ये मैं यहाँ पर ले रही हूँ सोया सॉस, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा अजीनोमोटो। ये मैं यहाँ पर सोलार का यूज़ कर रही हूँ, अजीनोमोटो, इसको चाइनीज़ सॉल्ट भी बोलते हैं। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर और सॉल्ट। सबसे पहले आपको अपने कट पटेटोज़ को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, और ऐड करना है आपको सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आपको दोस्तों ज़्यादा नहीं ऐड करना है, वरना ये ओवर पावर हो जाता है इस रेसिपी में, तो आप बहुत ध्यान से ऐड करें। और अब आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर कोट हो जाए पोटैटोज़ में। और ये देखें दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको कोट कर लिया है। और कोट करने के बाद अब आपको ऑयल गर्म कर लेना है। मीडियम हॉट ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे, और ये मीडियम हॉट ऑयल में आपको सारी फ्रेंच फ्राइज़ ऐड कर देनी है। और ऐड करने के बाद इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। और अब आपको इसे हल्के हल्के अलट पलट करते रहना है, बीच में एक ही तरफ से नहीं पकाते रहना है, अलट पलट करते रहें। और ये आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए, और हल्का हल्का ये इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट ये हमारी फ्राइज तैयार ही हैं। और ऐसे आपको इसे चलाते रहना है, अलट पलट करते रहें, ताकि ये सब तरफ से प्यारा सा कलर आ जाए इन पर। और ये देखिए दोस्तों, हमारी फ्राइज़ का कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये बेहद ही क्रिस्प बन गई, आप देख सकते हैं उसकी आवाज़ सुन के ये कितनी क्रिस्प। अब आपको एक पैन में ऐड करना है 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और उसे हल्का सा हॉट करना है। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है हमारी कटी हुई शिमला मिर्च और कटे हुए प्याज। और अब आपको इन्हें स्टर फ्राई करना है, हल्की से बिल्कुल हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है आपको, अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये सॉगी हो जाएंगी। हमें इनको क्रंची रखना है, तो हम बहुत ही 1 से 2 मिनट तक बस फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी सब्जियां फ्राई हो रही हैं, हम हमारी स्लरी बना लेते हैं। तो आपको लेना है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और उसके अंदर ऐड कर देना है पानी, थोड़ा सा ही पानी आपको ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और एक लम फ्री स्मूथ सी आपको स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। ये हम ऐड करेंगे हमारे चिली पटेटो में, और ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और ये हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनकर तैयार है। अब आपको एक दूसरा बाउल लेना है, और उसके अंदर सबसे पहले आपको ऐड कर देना है 1 टीस्पून ऑफ अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट, और साथ ही साथ आपको ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, और 3 to 4 टेबलस्पून ऑफ टमाटो केचप। आप चाहें तो 3 भी ऐड कर सकती हैं, चाहे तो 4, मैं 4 ऐड कर रही हूँ। और इसे आपको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट सा बना लेना है। और ये सब्जियों को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और ये हमारी सब्जियां अच्छे से क्रंची हो गई हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारा ये पेस्ट जो हमने बनाकर रखा है, और कॉर्नफ्लोर की स्लरी भी ऐड कर देंगे जो हमने बनाकर रखी है, और साथ ही साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए अच्छे से। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 पिंच ऑफ रेड फूड कलर। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इससे कलर आता है। तो इसे ऐड कर दें और अच्छे से इसे मिक्स कर दें। दोस्तों, ये देखिए, पानी ऐड करने के बाद इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक पकाया है, और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी फ्राइज़, और दोस्तों ये अच्छे से थिक हो चुका है, तो इसलिए हम फ्राइज़ ऐड कर रहे हैं। फ्राइज़ ऐड करने के बाद आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करना है आपको, ताकि ये क्रंची ही रहें और हमारे चिली पटेटो जो है बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने।
और ये मैंने यहाँ पर इन फ्राइज़ को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आया है। दोस्तों बिलीव मी, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी, आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान अपने घर पर ये आसान से चिली पोटैटो, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।